हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ जॉब नोटिफिकेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर द सिविल इंजीनियर्स एज वेल एज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स। टोटल नंबर ऑफ मैं यहां पर वैकेंसीज की बात करता हूं तो दैट इज 169 वैकेंसीज, जिनमें से सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज जो है दैट इज 166। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो फिगर है वो काफी बड़ा है और एक पर्टिकुलर स्टेट की यहां पर वैकेंसीज हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आप लोगों को ध्यान देनी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट के कोई भी कॉलेज से अगर आपने डिप्लोमा किया है तभी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो। अदर स्टेट वाले यहां पर ऑफकोर्स थोड़ी सी निराशा हो सकती है बिकॉज अदर स्टेट वाले यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये है यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको आप देखेंगे कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। बट चलिए, खैर हमारी समझने के लिए यहां पर हम एक पर्टिकुलर जॉब की इस वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं कि क्या है यहां पर ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। कर्नाटका पीएससी ने यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई है 169। बट इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात कर रहे हैं 35 रुपीज की सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। इसी के अलावा जनरल कैंडिडेट के लिए 600 प्लस प्रोसेसिंग फीस दैट इज 635 रुपीज यहाँ पर लगेंगे। पेमेंट जो भी आपको करनी है ऑनलाइन करनी है यहाँ पर। इसी के अलावा अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर जो जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है उसका लिंक एक्टिवेट होगा फ्रॉम 19th of October। तो ऑफ कोर्स अगर आप अभी आके चेक करते हो तो वेबसाइट पे आपको अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। आप अप्लाई कर सकते हो 19th of October से और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की दैट इज 17th of November 2022। इसी के अलावा अगर बात करते एज लिमिट की तो मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 35 इयर्स। कुछ और एज रिलैक्सेशंस भी है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो भैया यहां पर 18 से 35 साल आप यहां पर याद रख सकते हैं। इसी के अलावा जो दूसरी कैटेगरीज है उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन बोल दिया गया है कि भी डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट। और इसी के अलावा अगर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो मैंने आपको बताई, सिविल की 166 पोस्ट है और मैकेनिकल की 3 पोस्ट है। तो यहां पर बाकी कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी, कोई भी जॉब की वेबसाइट्स पे आप जाते हो तो वहां पर आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन मिल जाता है, बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो कन्नड़ भाषा में है। तो ये खैर एक्चुअली जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट। तो अगर आपके कोई स्टूडेंट्स, आपके कोई दोस्त, आपके कोई जूनियर्स सीनियर्स में ऐसे हो जिन्होंने कर्नाटका स्टेट से डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो ऑफकोर्स आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वीडियो उन तक पहुंचाएं। खैर चलिए, इस वीडियो को यहीं पर मैं शॉर्ट में खत्म करता हूं। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।